कैसे हैं सब जी? खादिन हजरत कॉमेडी ग्लैडिएटर्स इनके साथ और केबी के साथ बट जी के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। केबी आपको पता है मेरी जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी सा चेंज आया है। मेरा कुछ लिखने को जी चाह रहा है, कुछ पढ़ने को जी चाह रहा है, कुछ कॉलम शेर और शायरी का जी चाह रहा है। Oh, really, Bertie? Wow. Yes. आज की शाम में एक ही कमी है, आज की शाम में एक ही कमी है। एक्सक्यूज मी, तेरा व्हाट्सएप नंबर की है? Bertie, जी जी, इन ऑर्डर टू राइट अ कॉलम यू शुड बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। तो करंट भी है और अफेयर भी। आई मीन थोड़ा सा लिखने के लिए ढेर सारा पढ़ना पड़ता है, यू नो। बट जी, केबी आपको मुश्किल रास्ता बता रही है। अगर आप कालम नगार बनना चाहते हैं तो वही खतूत पढ़िए जो हमने जोधा बाई को लिखे थे। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे बाखुदा अदब सियासत मोहब्बत मोहब्बत का ऐसा तालमेल आपको मिलेगा जो किसी लाइब्रेरी में नहीं लिखा होगा। बादशाह सलामत, वो जो आपने खतूत लिखे थे उसमें आपकी पर्सनल चीजें नहीं थी, वो पब्लिक में अच्छी नहीं लगेंगी। आप उन सतूर को डीक्लासिफाइड मत कीजिएगा, आप उन खतूत को वैसे ही पढ़िएगा जैसे कप्तान ने अमेरिकी खत पढ़ा था। ताकि उसके बाद आप अपना लॉन्ग मार्च ऐलान करते हैं। ये आपकी अपनी जवाबदीद है, फिलहाल हमें आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। खवातीन हजरात, आज हमें एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन करी है जिनको कुदरत ने बहुत नवाजा है और बल्कि कॉलम लिखने की तौफीक भी दी है। ये कॉलम हसब तौफीक भी लिखते हैं, लेकिन खवातीन हजरात सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि ये पढ़ते हैं। प्लीज वेलकम तौफीक बट। क्या आपने एंट्री दी है? लॉरी गेट से आप एंटर हुए हैं स्लो मोशन में और इस तरह लगा कि जा रहा पहलवान आ गया। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपने मुझे मधु किया यहाँ पे। सर ये हमारे ऑनर की बात है कि आप जैसी शख्सियत हमारे शो पे आई है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी कालमाना कार्रवाइयां कैसी जा रही है? ये कालमाना कार्रवाइयां जो है ना, एक जमाने में आलमाना कार्रवाइयां होती थी, मगर अब ये कालमाना कार्रवाइयां। बट साहब, आपका शुमार खान साहब के करीबी दोस्तों में से होता है, आजकल मुलाकातें चल रही? आप मेहदी हसन खान साहब की बात कर रहे हैं? आए मैं कब का जा चुका हूँ, मुझे सदाएं ना दो, क्या यही सिचुएशन है? जिस खान साहब की आपने बात की है उनकी यही सिचुएशन है। मैं तो पाटे खान की बात कर रहा था। खुशामदीद खुशामदीद, चश्मे मा रोशन दिल मा शाद, आए हो हमारे अंगना बड़े दिनों बाद। पट्टी आज की मखसूस निशिस्त खाली रहेगी क्या? मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि सबर का फल मीठा होता है, और आज खवातीन हजरात जो मीठा आने वाला है, आहा, थिएटर लाइमलाइट स्टारडस्ट शी हैज डन इट ऑल। खवातीन हजरात जब भी आप इनको देखते हैं आप सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, ये वो है दीदार। वालेकुम अस्सलाम दीदार, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खूबसूरत। इस चीज की तो हम भी गवाही देते हैं कि हुस्न तो वाह वाह वाह, इस तरह लगता है कि डिस्काउंट पे आया है। मतलब डिस्काउंट पे आया, खुल के आया है? तो फिर तान देखते हैं, इंज लगता है कि मुफ्त ही आया है। हेलो दीदार दीदार दीदार, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हो तो जलवा दिखाई दे।
हत्ते अदब। भट साहब, आप सियासी सूरतेहाल और समाजी सूरतेहाल को उनवान देते हैं, दीदार की एंट्री पे क्या उनवान देंगे? हम तो खुश हैं आज हमें दीदार हो गया। डायरेक्ट ही हो गया। थैंक यू सो मच। कुछ कॉलम निगार शाम को 7 बजे कॉलम लिखते हैं निमको दे नाल, और कुछ कॉलम निगार सुबह सुबह कॉलम लिखते हैं टोस्ट दे नाल। आपके कॉलम लिखने के औकात क्या है? नहीं, मैं तो सुबह सुबह कॉलम लिखता हूँ क्योंकि शाम को मेरी मसरूफियात जरा और तरह की होती हैं। दीदार, मुझे बताएं कि आजकल आप किस चक्की का आटा खा रही हैं? ऑन दी लोकेशन पिंते में नुकल। नहीं, इस बात का क्या मतलब कि मैं आपको क्या बहुत पुरानी लग रही हूँ? मैं बिसाखियों के साथ आई हूं। अरे नहीं, कैसे मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि आप रिवर्स गियर में चल रही हैं। क्यों? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा मत बोले मुझे। आप समझे, मैं अभी अभी आई हूँ शोबिज में। अभी आई हैं? हाय हाय, आए हो अभी, बैठो तो सही। मुझे बताएं कि अगर आप अभी आई हैं तो इरादे क्या है? इरादे खतरनाक है क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कैमरे बंद करो। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन। जाए 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 जाए, दे अदब, जाए जाए। बट साहब, आपसे एक पर्सनल सवाल है, जब खान साहब से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं या देवदास की पारों की तरह संदेश लेके जाते हैं? नहीं, मैं अपने लिए रोटी साथ लेके जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। किदार जी, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस? ऐसा लगता है कि आपके घर में डिटॉक्स वाटर का स्विमिंग पूल है। वाकई सीरियसली, मैं इस पानी पीती हूँ ये वाला, और मोटे वही लोग होते हैं जो खाते हैं। ये सब झूठ होता है कि जी हम खाते नहीं, हम फिर भी मोटे हो जाते हैं। जो ओवर ईटिंग करते हैं वही मोटे होते हैं। सुना सुना बट जी, वहाँ बैठ गए। दीदार, मुझे बताएं कि आपने अपने करियर के रूज पे आके शादी कर ली, ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे कोई क्रिकेटर वर्ल्ड कप से एक दिन पहले रिटायरमेंट ले ले। आखिर क्यों? मत बजी सी। हाय हाय हाय, बट जी क्या याद दिला दिया, जिस रात दीदार की डोली उठी थी उसी रात हम चाय की सुराही और निम को सामने रख के बहुत रोए थे। अब मैं सीरियस जवाब दे तो थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। देखिए, शादी एक बहुत अहम हिस्सा है हर इंसान की लाइफ का, और चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं अगर वो अपने अपने वक्त पे हो जाएं। बेशक। तो मुझे लग रहा था कि यही वक्त है शादी का, अच्छी चॉइस है, तो मैंने कहा क्यों ना अवेल किया जाए। बट साहब, आपके पास ये ऑप्शन थी कि तानू तो सीधा ही रहने देता? नहीं नहीं, मैं शादी के बारे अमूमी तौर पर किया जाता है कि शादी ब्याह यानी वो फाले, जिन्हें खाधा वो भी पछताया, जिन्हें नहीं खाधा वो भी पछताया। तो मैं तो यह सोच के शादी की थी कि जो दोनों सूरतों के बीच पछताना ही है तो बेहतर है बंदा खा के पछता ले। Exactly. मेरी भी यही सोच है। इसका मतलब है कि आपकी अरेंज मैरिज थी? जी, मेरी अरेंज मैरिज थी, और एक दफ़ा मैंने अपने कॉलम में लिखा था, क्योंकि मेरी मिसिस बहुत अच्छी हैं, तो मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि उनकी पहली शादी का तजर्बा नाकाम रहता है। मैं दूसरी शादी इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी पहली शादी का तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है। और आप रिपीट टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं? या और उसके बाद फिर जो है ना, मेरी बेगम ने खराबियां करनी शुरू कर दी। जब कोई कॉलम निगार आता है आप टपक पड़ती हैं, ये आपको उनकी खुशबू आती है, एसएमएस आता है? असल में बट जी, सब कॉलम निगारों की खुशबू एक जैसी है, लेकिन बट साहब से बड़े पावे आंदी ते शोरबे दी खुशबू भी आंदी। बट साहब कैसे हैं? जी बहुत शुक्र अल्लाह, आज तो आप पहचान ही नहीं रहे। क्या हुआ अगर वक्त वो नहीं रहा, कभी साडा टाइम भी आएगा ना। बट जी वैसे बहुत बुरी बात है। क्यों? जब मैं हुकूमत में थी मैं लोगों नू डी सीट करवा देनी होनी सा, ते तुसी मेरे वास्ते एक सीट नहीं मंगवा सकते। बल्कि इंज करो, फुल बेंच मंगवाओ। भाई बेंच लेके आए भाई इनके लिए। हाँ जल्दी लाए। अच्छा आप कुछ पिएंगी? जी क्यों नहीं, ये बाहर जाए खुद ही ले। आज तो मैंने रो वाली रेडी वाले लगे हो तुसी। आए आए प्लीज रखिए। ये ले जी सोफा आ गया।
थैंक यू भट्ट जी। तौफीक भट्ट साहब, जरा तौफीक नहीं हो रही थानू अजकल कप्तान के खिलाफ तो बहुत कलम चुके है तुसी, लेकिन याद रखिएगा मेरे खिलाफ कभी कलम ना उठाइएगा क्योंकि नेक्स्ट मैं 2/3 अक्सरियत के साथ आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, और कप्तान के भी मैं खिलाफ नहीं लिख रहा, बस ये है कि पहले उनके बारे में ज़रा हम सच बोलने में डंडी मार जाते थे, आजकल जरा सच बोलना शुरू कर दिया उनके बारे में। भट्ट साहब तुहानू तो उस दिन ही समझ जाना चाहिए सी जो पहली बारी चाह के नाल 3 बिस्किट मिले सन तुहानू। खैर कोई बात नहीं, वैसे मैं आपका कॉलम तो अक्सर पढ़ती हूँ हस्बे तौफीक, लेकिन साथ में दीदार जी का कॉलम भी पढ़ती हूँ। आप कॉलम लिखती हैं? जी जी, यही बताएंगी हैं? अरे वो तो रीमा लिखती थी। हाँ वो भी मैंने पढ़ा था, रीमा की बातें। लेकिन दीदार साहबा, जो आपने वो कॉलम लिखा है ना, नाड़ते नाड़ चढ़ जाएगी ना। नाड़ते नाड़ तो उन्होंने चढ़ेगी जेड़े हले तक प्रूफ लभते फिर रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिले। दीदार आज तो वैसे सुपर ओवर में आप सुपर फिट होके आई हैं। क्या करूं, लोग इतने अच्छे थे ना। अच्छा भट्ट साहब, आजकल आपको पता है हवाएं मुखालिफ चल रही हैं हमारे, मुझ पे भी कोई कालम लिखिए, फड़ो कागज कलम करो लफाजी ताकि गोगी तुहाडे ते हो जाए राजी। ओ तुसी जड़ी कमाई कीती है ना ओदे विचो थोड़े जे पैसे मैनू भी दे दो ताकि मैं तुहाडे उत्ते कालम लिखा चंगा जी। तुहाडे बड़े दंद निकल रहे ने, कोई पैसे नहीं लिए, ये इल्जामात है। 3.5 साल कप्तान ने हुकूमत की, सवाए मेरे उन्होंने कुछ लभन ही नहीं दिया। भाई आप कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। इतना बड़ा अदीब, दानश्वर, ड्रामा निगार, कालम निगार जी, मेरा नाम आसमी है। हाँ जी, आसमी मुसाफिर है, आता है जाता है, पीटीवी की बिल्डिंगों में ये यादें छोड़ जाता है। आए वाह 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 वाह, यादा भी घंटे 2 घंटे वाली छड़ गए। मेरा तो कालम निगारी में इतना बड़ा कद है कि लोग मुझे कालम चन्ना कहते हैं। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी फोल्डिंग सीट है। जब मैं किसी कोच में सफर करता हूँ ना, मैं अपनी लगाता हूँ। और जब मैंने किसी के साथ इज्जत के साथ जाना हो फिर मैं इसे लेके जाता हूँ, क्योंकि लोग इसकी बेइज्जती करते रहते, मुझे इज्जत से देखते रहते। यानी ये आपकी स्टपनी है? स्टपनी नहीं, स्टपनी है। अच्छा। आप ऐसे टपनी है। ये कौन है? ये पिछली हुकूमत की हड़पनी है। आप तो कालम चन्ना है, ये कौन है? ये कालम लोहार है। हाँ जी, इसके चिमटे का लाइसेंस नहीं बनाता, हुकूमत ने जब्त कर लिया। मुझे लगता है कि ये कॉलम जो है फिर चिमटे के साथ लिखते होंगे और इनका चिमटा हुकूमत के खिलाफ लिखता होगा, क्योंकि ये जब्त हो गए हैं ना। ये जब्त हो गए जी, अगर ते कॉलम समझ आ जाए तो ठीक है, वरना चिमटा भी जानना पड़ता जी। अब उसी चिमटे को गर्म भी कर रहे हैं। हाँ जी, हुकूमत जो कई गंडोए भरने ने ना। तो सुना जरा मेरा कॉलम आ रहा थी लिखे। ले सुनो, कॉलम दी पावा छे निका करलप 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 कालम दी पावा छनिका मतन चो डुल दा गुबा सड़कां ते होने आखुआ मिलेगा कदों इक्तदार रड़ी रड़म कालम दी पावा छनिका ला 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 जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਹ ਲੋਹਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ये आपने ज्यादती की है, जेंट्स बिठा दिया, चलो 2 लेडीज तो मैनेज हो ही रही थी। वो एडी दूर बैठी है।
सौ दिन आजाद जब दुनिया में कॉलम निगारी का जॉनर डेवलप हो रहा था, यूजीन फील्ड अमेरिका के टॉप कॉलमिस्ट थे। मुझे बताइए कि उर्दू कॉलम निगारी में ये मकाम किसको हासिल है, मनु भाई को, नजीर नाजी साहब को या अब्बास अतर साहब को? तीनों नाम आपने जो लिए, तीनों का अपना अपना एक मुनफरिद अंदाज था, लेकिन मेरे ख्याल में मुन्नू भाई को ये एजाज हासिल है। और मुझे बताएं कि डांस के मुन्नू भाई कौन है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? और बात सब सम्राट ने वो पहला सवाल इतना मुश्किल था ना, मैं उसमें खो गई कहीं पे। वो पढ़ा लिखा था। अच्छा, तुसी मुन्नू भाई ना? तुसी मुन्नू भाई ना कहो, तुसी मुन्नी भैन कहो। हाँ, वैसे कौन है? पाकिस्तान की बात करते हैं हम। जी जी। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो डांस करते हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट है फीमेल में वो रीमा। रीमा जी, क्या बात है। हमेशा से उनका डांस, उनका इवन लिविंग स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का तरीका, मुझे लगता है कि मुझे उनकी हर चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ दिल से। लेकिन लोग तो कहते हैं कि नरगिस जी के डांस का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सुपीरियर है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, हर इंसान का एक फोर्टे होता है, तो नरगिस का जो फोर्टे है वो फेस के साथ प्ले करती हैं सारा। पर डांस जो है वो हेड टू टो होता है, तो वो अपनी जगह बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन अगर हम रीमा जी को देखें तो वो एक रबड़ की गुड़िया थी, तो इसलिए शायद मुझे एज कम्पेयर टू नरगिस एक पैकेज में वो ज़्यादा अच्छी डांसर लगती है। आपने कितनी खूबसूरती से दो स्कूल ऑफ थॉट्स बताए हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस को यही स्कूल ऑफ थॉट अगर आप प्रैक्टिकल में करके दिखा दें तो क्या ही बात है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं करना, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। दो मिनट में मेरी कैसेट देना। मुझे पता था कि दो मिनट मना करेगी। उसके बाद फिर कहेगी कहो ना। दीदार से कहना है ये, आपने सब कुछ, मुझे कोई डिमांड ना करे ऐसी मैं पहले बता दूं। नहीं, तो पहले डिमांड चल रहे हैं। खवातीन हजरात, सुपर ओवर के अंदर एक स्पेशल ट्रीट आपके सामने पेश होने वाली है। टू स्कूल ऑफ थॉट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय दीदार। वन इज नरगिस एंड द अदर इज रीमा। आए जी, कॉलम निगार साहब आए। आप अकेली करें, उन्हें तो आप ही आना है मजबूरी। आ जाएगा, आ जाएगा। कॉलम निगार चौधरी समझ। जी, मैं माफी चाहता हूँ, पहले तो मैं कॉलम ही लिखता था अपना, उसके बाद फिर मैं टंसाली से रिक्शा लेके सीधा आ जाता था हमीद चौरी साहब के पास। अच्छा। चार साल में उथे भी लाए ने, उथे मैं कॉलम लिखना सा, उथे मैं कॉलम नाचना सा। बट जी, मेरी एक शर्त है जी, गाना बादशाह सलामत गाएंगे। जी देखो जी, बोले आम लोग तो नहीं डांस करने लगे। देखो, मैं आवाज दे थले आके ही ना मर जा। आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, वे उत्ते तेरा ना कड़िया, वे मैं बड़े आई जामा नाल। आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, 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 वे उत्ते तेरा ना कटिया, वे मैं बड़े जामा नाल। आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लई। ये था हल्की आंच। नहीं 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 नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा कि नरगिस ने कैसे किया। रीमा का, रीमा का। ओ रेशम का है लहंगा मेरा, जाली की चुनरिया, ओ रेशम का है लहंगा मेरा, जाली की चुनरिया, जब मैं नाचू चम चम बाजे पाँव में जंजरिया, ओ जब मैं नाचू चम चम बाजे पाँव में जंजरिया, रीमा का सही किया आपने। हाँ? जो नरगिस करती है पूरा एक्सप्रेशन के साथ, वो करना। अब आप करके बताए ना। चलो जरा करो भाई अपना, आंधा तेरे लिए रेशमी रुमाल। आंधा
ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਈ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ एनर्जी ड्रिंक पी के किया है। ये गलत है। तो आपने रीमा की तरफ अपना बारी पी ली थी एनर्जी ड्रिंक। अब आपका डोप टेस्ट होगा। अरे नहीं, चलो 5 दिन का टेस्ट कर लेने। अच्छा, मेरा ख्याल है तुम्हारे दोनों का टेस्ट होएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खवातीन हज़रात, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुपर पावर। Welcome back from the break, खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर खबर। बट जी, आप पाकिस्तान के वाहिद कॉलम निगार हैं जो तहसीलदारी छोड़ के प्रोफेसर बन गया। तहसीलदारी जो है वो एक टीचर के सामने तो कुछ नहीं है, वो तो एक ऐसे ही एक सीटें आई थी तहसीलदारी की और उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और उसमें वो मैं क्लियर हो गया। अच्छा, तो लेकिन असल जो मेरी मंजिल थी और जो मैंने सोचा हुआ था तो इसी तरफ मुझे आना था और बिलाखिर इसी तरफ मैं आ गया। आलम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। आलम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। बादल छोड़ दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ए, ए दिलार, क्या कर रही हो? ए, नहीं लगता। ए, दिलार, छोड़ के मत जाओ। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ना छोड़कर जाओ, चल जाती वही ऐ रेड़ी तो मेरे नाल दही पल्ले खांदी जा। पहला शाहरुख खान ने जेड़ा 25 साल किसी ने हौदी च दबी रखे है। हौदी च पानी भी ज्यादा सी, आप पी गया सारा। बट साहब, जब दिल टूटे तो इंसान शायर बनता है, कॉलमनिस्ट बनने के लिए क्या तुड़वाना पड़ता है? कॉलमनिस्ट बनने के लिए दिल जोड़ने पड़ते हैं, तोड़ने नहीं पड़ते। यही तो मैं कह रही हूँ कि दिल जोड़े ना प्लीज, एक अच्छा सा कॉलम हम पे भी लिखें। ते कह रहे हैं कि वो पैसे कड़ो ना जड़े तुसी खान साहब दे दौर च कमाए ने ताकि मैं तुहाडे ते कॉलम लिखा। बट साहब, सब इल्जाम आते ने, वेखो 250 दा लिया सी, वो भी खाली है उंतरा। कोई गल नहीं, खान साहब दी हुकूमत दोबारा आने वाली है, जे दोबारा आई तो यह कई भट जाएंगे। वाह बट साहब, तुहाडे मुंह च घ्यो शक्कर। बट साहब, ये जो मिस गोगी पे इल्जाम बने हुए हैं, ये सच्चे हैं या जेबी दास्तान है? अभी तो वो मुल्क से बाहर है जी, और उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आए, चूँकि ये इल्ज़ाम बढ़ते जा रहे हैं और वो पाकिस्तान आके इन इल्ज़ाम का सामना करें और वो ख़ुद लोगों को बताएं कि ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन अमूमी तौर पे तासुर यही है कि करप्शन जो है वो हुई है और उसका ज़िम्मेदार जो है वो बेशुमार लोग उन्हें ठहराते हैं। अब वो आपके सामने भी बैठी हुई हैं एक और रूप में, तो आप इनसे भी चाइना की कॉपी है। हाँ, व्हाट्सएप बड़ी चला के। अच्छा। पर्स जड़ा दिखाने वाला हो रहे थे, संभालने वाला हो रहे। बाकी आप देखिए ना, पिछले 70 साल का गंद है इस मुल्क में, कितनी करप्शन हुई है, ओदा त्याज तक हिसाब नहीं लिया। 3.5 साल वास्ते किन्ने उतावले हो जा रहे हैं। किड्डा गंद है, तू इन चीजा खरीदिया कि झाड़ू ले लंदी। गोगिया, ओ माय डार्लिंग,
चाहिए। पर सर इसी गाने से याद है, मुझे पता है मियां जी आ रहे कि नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है वो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, मौसम जरा अच्छा हो जाएगा और हालात भी जरा अच्छे हो जाएंगे और उनके अपने डॉक्टर जो हैं वो उन्हें इजाजत देंगे तो वो जरूर आ जाएंगे। अब डॉक्टर उन्हें इजाजत तभी देंगे जब वो डॉक्टरों को कहेंगे कि मुझे इजाजत दे। दीदार आपके पॉलर पे कालम नगारों के लिए कोई रहती पैकेज है? नहीं, पहले तो अगर वो फीमेल हैं कोई तो उनके लिए जरूर है क्योंकि मेल नॉट अलाउड है वहाँ पे तो, लेकिन आप तो आ ही सकते हैं। क्योंकि मुझे तो डांस आता है। लेकिन अगर आपके पार्लर में आने के लिए मुझे भी डांस सीखना पड़ा तो मैं भी सीख लूंगा। अरे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बरसा फिर हम नाम चेंज कर लेते दोनों भाई, आप तो फीक विकी हो जाए, मैं नसीम भट्ट हो जाता। ताल्लुक भी लाहौर नाल, तुहानू पता पहलवान इत्थे भी बड़े होंदे ने, किन्ना मजा आवे छोटे जे लंगोट पा के खाड़े च कर रहे होण, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या। मेरा ख्याल है आपकी बात के ऊपर तड़का लगाते हैं खवातीन हजरात। शेजी आ, बट साहब आए जरा। आपका कहने का मतलब है कि दीदार के सामने डांस करना बिल्कुल इक्विवेलेंट टू मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के सामने मजा करना। आगा। आगा। बिल्कुल क्या बात, नहीं अच्छी बात की आपने, सात रपटी गेंद उबाल के खाना लिया। अच्छा भाईजान ये आपके साथ जो है खड़ा ये क्या कर रहा है उसमें? ये कालम नाराज है क्योंकि ये कालम जब लिखता है ना तो वो ऊपर वाले पेज पे लगा देते हैं तो कोई पढ़िया ही नहीं जाता बेचारे का। भाई साहब मेरा नाम मनशा है, इब्ने मनशा, भट्ट साहब से मिलने आया हूँ और दीदार का दीदार करने आया। अरे अपने छोटे भरा तो भी छोटा जी। नहीं नहीं ये कालम निगार तो ऐसे एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये असल में अपने बेटे से भी छोटा है। इधर पुत्र ने कहा पापा बाहर ना जाया कर, हमें गुआच जाए। अच्छा आप दीदार से क्यों मिलना चाह रहे हैं? मैं इनका बड़ा फैन हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया, सारी जिंदगी तेरे गिटिया नू देखे हैं। दीदार जी मेरा डांस जो है वो थत्ता है, आप बताए मैं क्या करूँ? अपने गिटिया ने मिलठी बन के नशिया कर। तू पता की क्या तू थत्था नशिया कर, तू क्या मैं थथक करना? प्लीज दीदार जी आप बताएं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप डांस करें ही ना। मैं डांस क्यों ना करूं? नहीं नहीं आप वैसे ही इतने क्यूट हैं, सबको आप पे प्यार आता है, आपको जरूरत ही नहीं है। क्यूट नहीं है, काफी देर से म्यूट थे। अभी इनका वॉल्यूम खोला है, असल में इसको डांस करना है, इसके घर में कीड़े मकोड़े बहुत हैं, उनको एंटरटेन करना होता है। पहले ही वो सिक्योरिटी रिस्क पे है, कार दी कोई कुंडी नहीं ला सकते। आप पता क्या करें, मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे, मैं कुंडी नीचे लगा लूंगा। अच्छा ताड़े ऐसे रिश्ता नहीं, ताड़े ऐसे उन फरिश्ता आ रहे हैं। सर कुछ आंदे ही पे ना, आंदे हो इन्नी महंगाई दे विच। इन्नी महंगाई तां सारे बड़ी गल है। ए ते बेचारा एड्डा मस्कीन है, 8 बजे काम तो आंदा है, 8:30 रोटी खांदा है, 9 बजे टीवी देख के हमसायां नूं कहंदा जरा कुंडी ला दिओ असीं सौणा। ओह वी बाहरों ला के चले जांदे ने, मुड़ के फिर नाल ही विचों ते घर जा कहंदा अज कुंडी नहीं खोलण दे। बट जी हमारे दिल में भी ख्वाहिश बेदार होती है, हम शीश महल में बैठकर कालम लिख रहे हों, जब दीदार अपनी पायलों से हमारे जहन को मुंतशिर कर रही हो और हम ये प्यार से कह उठे, कालम में गीत है छब छब के, तू लाख चले री गोरी थम थम के,
पायल वे गीत है छब छब के। हुण मैनू पूरी उम्मीद है कि तुसी ओही हो। बादशाह सलामत, कालम में गीत है चम चम के, ओ पछता रहे ने तेनू जम जम के। पर मैनू कसम चुका लै बादशाह कोई नहीं है, ये अपने महल दे बाहर मोतिया दे हार वेच दे। बादशाह जिन्हें दीवार दे अंदर ढोलकी चनवाई है। क्या बात है। So, Adino, so don't go anywhere. We'll be right back after a short break. आप देख रहे हैं Super Hour. Welcome back from the break. Khawateen Hazrat, आप देख रहे हैं Super Hour. अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ आपको वाकयात दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों से पूछते हैं कब कहां कैसे। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। खवातीन हज़रात, पाकिस्तान इंडस्ट्री के अल मशहूर रिकॉर्डिस्ट इदरीस भट्टी साहब और उनकी दो खूबसूरत बेटियां इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। भट्टी साहब के बारे में आपको ये बता दें, इन्होंने मादाम नूर जहां से लेके गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, तमाम टॉप सिंगर्स को रिकॉर्ड किया। ये गोद में कौन है? प्लीज नहीं बताएं। ये नरगिस है। अच्छा। और ये वाला ये भाई। व्हाट्सएप आप बताएं कि इनमें आपको दीदार कौन लग रही है? जो गोद में है वो दीदार है और नीचे जो है वो नरगिस है। बड़े श्योरिटी से आपने कहा। दीदार क्या उम्र होगी यहाँ आपकी? दो या तीन साल। तीन साल होगी। तीन साल। तुझे है ना उठ भी आएगी बैठने। हाय 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 हाय। कादिर रोजात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। पूरा फैमिली पैकेज और वो भी ईद स्पेशल। यो प्राणा ने जड़ियां सारी एक दूजे तो वध कमांदियां। देख लो मुकद्दर, चारे पैणा कमांदियां ने ते कोई कुछ नहीं कहंदा। मैं कल्ली कमाण वाली हां ते पूरा मुल्क उंगलां चुकण दे। दीदार प्लीज जरा इंट्रोड्यूस करवाइए सबसे। जी हाँ, ये जो फर्स्ट पे हैं वाइट में, ये मेरी सबसे बड़ी बहन है। क्या नाम इनका? इनका नाम साइमा है। साइमा। और उसके बाद जो है वो समीना है, देन फिर नरगिस, और मैं सबसे छोटी हूँ तो फिर मेरी फोटो। और इनमें से सबसे ज्यादा डैडी कौन है? ये नंबर तीन वाली नरगिस। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बीच बट साहब इस तरह खड़े जिस तरह आपको 12 तोपों का सलाम होने वाला है। कहाँ की तस्वीर है ये? तो आपने ढूंढी है तो आप ही बताएं कहाँ की तस्वीर है। मुझे लगता है या थाईलैंड की या मालदीव्स की। मेरा ख्याल है ये मॉरिशियस टाइप की जगह है। ये सिंगापुर है जी। वैसे बट साहब आपस की बात है, ए वाली तस्वीर हेलीकॉप्टर तो सुटने वाली है। और इस तस्वीर से कपड़े सही नहीं लग रहे। वैसे ऐ जिहो जी तस्वीर है ना, तुहानू कहना चाहिदा सी ये सुटने वाली नहीं। अच्छा बट साहब, ये आपके साथ कौन है? जी जाहिर है मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स है। ओके बट साहब, मेरे तो ऐसे फ्रेंड्स है। आपके ऐसे क्यों है? वो तो सिंगापुर गए, अपन नहर से चले जाने। आहा बट साहब, अगर हम भी साहिल समंदर जाएं तो आप हमारी ऐसी सहूलत कारी कर सकते हैं? मेरा मतलब कि आप हमारी वैसे ही खिदमत करेंगे ना? हाँ जी, तो आड़े ते बह के जावांगे ना। दो करुणियां करनी है सारा समंदर खत्म हो जाना। बट साहब, आपने यहाँ क्यों नहीं है अपना बीच अटायर पहना हुआ? यहाँ भी आप सियासत कर रहे हैं? क्योंकि वो तीन है और मैं अकेला था। तो सियासत तो फिर करनी पड़ी मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बीच पे जो आपने कॉलम लिखा था उसका नाम क्या था? वो इन दोनों के बीच में। खवातीन रोजात, अगली तस्वीर की तरफ जाते हैं। आहा, हाँ साहब और बट साहब। हाँ साहब और बट साहब, मुझे लग रहा है कि आप उनको कहने लगे यार वो समोसे ही खा गए सारे। मुझे लग रहा है यहाँ एक बड़ी सीरियस बात हो रही थी। बट साहब जरा बताएंगे क्या बात हो रही थी? मेरा ख्याल है मैं ये पूछ रहा था कि तुसी देसी कुकड़ी खाना पसंद करोगे। मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं कि मैंने उनकी पसंद की बात की है, क्योंकि उनको बड़ी पसंद है देसी मुर्गी। जी अगली तस्वीर की तरफ। वाह 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 वाह, बट साहब बड़ा रिलैक्सिंग माहौल, हुक्का आपने पकड़ा हुआ है, किसी
गांव देहात में, और अब मुझे लग रहा है आप कहने लगे मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। कहाँ की है सर तस्वीर? ये तस्वीर मेरे डेरे की है जी, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं सुपर ओवर की सारी टीम को अपने डेरे पे बुलाऊं और फिर उनको भैंसों का जो ताज़ा दूध है वो पिलाएं और देसी मुर्गियां खिलाएं। आजकल वो अंजीर लगी हुई है अंजीर के पौधों पे, तो वो ताज़ा अंजीरें जो है वो अपने हाथों से तोड़ तोड़ के आप सबको खिलाएं। अर्जी क्या बात। अच्छा ये सुपर ओवर की टीम को इनविटेशन है या दीदार और को? फिर मैडम दीदार को मैं भी वही रहेगा। मैडम दीदार को भी वहाँ पे बुलाएं और फिर ये जब भैंसों के करीब इनको खड़ा करें और फिर इनसे गाना सुने, सोने दूध पीते निकच्चे। तौफीक सिर्फ तौफीक साहब नहीं हुई नहीं, 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 ये ना अब डेरे पे जाना पड़ेगा और सारा पता करना पड़ेगा, इनको इस गाने का भी पता है। अच्छा मजे की गल है, इन्होंने सानू डेरे पे बुलाया, सिंगापुर नहीं बुलाया। खवातीन हजार जब दीदार मौजूद हो और लय वाले कॉलम निगार वट साहब भी मौजूद हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इन दोनों को बैठे बिठाए खुदा हाफिज कहें? नहीं जी आजा, आपका मतलब है कालम नचारी। आज भट साहब ने ऐलान किया है अपनी शागिर्दी का, क्योंकि दीदार ने कबूल कर ली है। दीदार क्या आप उनको अपना शागिर्द मान रही हैं डांस में? वो अपने काम के बहुत बड़े उस्ताद हैं। मैं डांस की बात कर रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कुछ सिखाने का। आए भट साहब, 1 2